हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज संडे है और अभी काफ़ी लेट है, मतलब 9:30-10 होगा ऐसा। आज ना नींद से उठने में मुझे इतना लेट हो गया, मतलब सुबह एक बार उठी थी 6 बजे और उसके बाद फ्रेश होके थोड़ा आके ना पानी आता है तो सब कुछ पानी का नल वल खोल के, और उसके बाद ना मैं जाके जो सोई ना, और पूरा मतलब उठते उठते 9:15-9:20 हो गया। मतलब उठ के दिखती हूँ इतना लेट हो गया है। फिर जल्दी से उठी, फ्रेश हुई और अभी जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। उसके बाद ना मुझे और मोनजीत को थोड़ा मार्केट भी जाना है मच्छी वगैरह लाने के लिए, और संडे मार्केट में ना बहुत अच्छा मच्छी मिलता है यहाँ पे, तो इसलिए कोशिश करते हैं हम कि संडे टाइम मिले तो जाए। तो आज प्लान है, इसलिए जल्दी से जाऊंगी। तो ब्रेकफास्ट के लिए अभी मैं थोड़ा सा पराठा बनाऊंगी, और साथ में कल मैंने ना ये बनाया था, छोले बनाए थे, तो छोले काफ़ी सारा बन गया था तो है, तो उसी से और पराठा लगा के हम लोग खा लेंगे अभी सोच रहे, क्योंकि और कुछ ना अभी बनाने का मेरे हाथ में टाइम नहीं है। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मार्केट भी जाना है, और पूरा दिन का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो देखते रहिए। आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पराठा, और वो भी मैदे वाला पराठा। मैदे वाला पराठा देखना खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और बचपन में ना हमारे वहाँ जो लोकल शॉप होता था ना मिठाई का, उसमें मिलता था ऐसा वाला पराठा, अभी भी मिलता है। और साथ में कभी आलू की सब्ज़ी देते हैं, कभी जो मटर होता है ना, पका हुआ जो मटर है उसका सब्ज़ी देते हैं, ग्रीन मटर नहीं, तो उसको हम लोग घुगनी बोलते हैं बंगाली में, तो वो और पराठा इतना टेस्टी होता था ना खाने में। अभी तो मैं ये सब बहुत मिस करती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब घर जाऊँगी ना, मैं सोच के रखी हूँ कि एक बार मंगवा के खाऊंगी। तो आज बहुत मन किया था, और छोले की सब्जी घर पे बना हुआ था, कल मैंने बनाया ही था, तो आज सोचा मैंने चलो आज आटा नहीं गूंथती हूँ, मैदे का पराठा बनाती हूँ। लेकिन मैदे का पराठा देखना बेलने में थोड़ा तकलीफ होता है, अच्छे से गोल नहीं होता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, और जैसे तैसे करके मैंने बेल दिया, इतना बुरा भी नहीं बेला, गोल हुआ है करीब करीब। और उसको ना अभी मैं घी के साथ फ्राई करूंगी, मतलब घी में पराठा सेकने में ना और भी अच्छा लगता है खाने में, उसका टेस्ट दुगना हो जाता है ना, तो दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा के लाल लाल करके मैं पराठा सेक लूंगी। और साथ में उधर देखिए मैंने चाय के लिए पानी भी बिठा दिया है, चाय बनाऊंगी, और बस उसके बाद दोनों आराम से बैठ के यमी यमी सा ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। ये देखिए सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया मैंने, पराठा सेक लिया है दोनों के लिए, और साथ में ये रहा छोले की सब्जी जो कल मैंने बनाया था, तो आज थोड़ा अच्छे से गर्म कर लिया इसको, साथ में 2 कप चाय। किचन में 2 मिनट खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतना मतलब गर्मी लग रहा है। देखिए पसीना पसीना हो गई हूँ मैं पूरा, मतलब आज फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद हमें बाज़ार के लिए निकलना भी है, तो मिलती हूँ आपके साथ थोड़ी देर में। ब्रेकफास्ट करके तुरंत निकल गए हम दोनों बाज़ार के लिए, और आज बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। आज बाहर मार्केट जाके इतना मतलब परेशानी हुई, एक तो बहुत ज़्यादा धूप है, उसके ऊपर हमें अच्छा मछली भी नहीं मिला, फिर वही कतला फिश मिला वो लेके आई, कोई भी अच्छा फिश आज मार्केट में नहीं उठा था, मन ही खराब हो गया एकदम। और फिर आके ही मैं खाना बनाना शुरू कर दी। इधर मैं करेला भाजी कर रही हूँ, और यहाँ पे दाल बॉयल कर लिया है, उसके बाद दाल बनाऊँगी। और ये देखिए कतला फिश, एक बड़ा वाला कतला लेके आए हैं, तो धो लिया है, कुछ पीस निकाला है, अभी बनाऊँगी और इसको मैं अंदर फ्रिज में रख दूँगी। तो कतला फिश में सरसों डाल के करूँगी सोच रही हूँ, देखती हूँ। आज बाज़ार जाके ना बिल्कुल मन ख़राब हो गया, क्योंकि हम लोग इतना सोच के गए थे, और संडे यहाँ पे ना मार्केट में बहुत अच्छा मछली मिलता है, वैरायटीज़ तरीके का मछली आता है, लेकिन आज जाने के बाद देखती हूँ पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं है, वही रहू कातला वही सब था, और जो प्रॉन है ना जो था वो उतना अच्छा भी नहीं था, एकदम छोटा छोटा साइज़ का था, तो बाद में क्या करें हमने वही कातला फ़िश लिया। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि रहू कातला खाते खाते ना हम लोग बिल्कुल बोर हो चुके हैं, और कोई अच्छा फ़िश तो मिलता
मिलता भी नहीं। मोनू जी इतना स्पेशली गया था अगर हिलशा फिश मिले तो लाने के लिए, पर हिलशा का तो कोई नामो निशान भी नहीं है, तो क्या करे। और इधर देखिए दाल भी मेरा बन चुका है, अभी मैं यहाँ पे जो फिश है उसको फ्राई होने के लिए रखी हूँ, उसके बाद फिश करी बनाऊंगी क्योंकि काफी लेट हो गया है, मार्केट गई ना उसके बाद आके फिर खाना बना रही हूँ। और जो मौसी है ना वो भी आ जाएंगी जल्दी से, उनका टाइम हो गया है 12:30 बजे वो आ जाती है, तो उससे पहले मुझे खाना बनाना खत्म करना है। तो फिश करी मैं ना आज सरसों डाल के बनाऊंगी, सरसों को पीस लिया है और तेल में थोड़ा सा कलौंजी और बारीक कटा प्याज दिया, हरी मिर्च डाला, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी और उसके बाद सरसों का पेस्ट डाल दूंगी। सरसों के डाल के ना फिश करी जो होता है बहुत इजीली बन जाता है और बहुत टेस्टी भी होता है। ऊपर से देखिए मैं हल्दी नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर थोड़ा सा ग्रेवी जितना रखना है उस हिसाब से ग्रेवी डालना है और फिर फिश डाल देना है। इतना जल्दी बन जाता है ना और खाने में उतना ही टेस्टी होता है। मुझे तो सरसों डाल के फिश करी बहुत ज़्यादा पसंद है, पर कम बनाती हूँ, गर्मी का भी टाइम है ना तो थोड़ा पेट खराब होता है ज़्यादा खाओ तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही सरसों डाल के बनाती हूँ। आज वैसे भी अच्छा फिश नहीं मिला और उसके बाद ये फिश को थोड़ा अच्छे से नहीं बनाऊँ ना तो मनोजीत का मन बिल्कुल खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा नहीं सरसों डाल के ही बना लेती हूँ। तो बस ग्रेवी रेडी हो गया है, फिश भी डाल दिया और ये देखिए 5 मिनट उबालूंगी और फिश करी बिल्कुल रेडी, बहुत जल्दी बन जाता है। तो खाना बनाने के बाद ना मैं आई इस रूम में बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए। आज ऊपर भी जो फैन वगैरह है वो सब साफ किया और पर्दे भी रूम के चेंज किए, मनोजीत मुझे बहुत हेल्प किया आज। तो बस सारा कुछ घर का मैं सेट कर रही हूँ अभी, देखिए पर्दे भी चेंज कर दिया है। दोनों मिलके काम करें ना तो सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। नहा के आके अभी पूजा किया और अभी लंच कर लेंगे, करीब 3 बजने को है, आज थोड़ा लेट ही हो गया, घर का इतना काम रहता है ना। आज मनोजीत मुझे हेल्प किया तो सारे पर्दे घर के चेंज किए और बेडशीट वगैरह चेंज किया, तो ये सब करने में भी फ़ैन वगैरह साफ करना होता है, देखना एक्स्ट्रा काम घर पे रहता ही है, तो वो सब करने में ना बहुत टाइम निकल गया। तो बस अभी हम लोग लंच करेंगे और साथ में पंचायत सीरीज आया है तो उसे भी देखना है, उसका अलग एक्साइटमेंट है, कल से शुरू किया है उसको ख़त्म करना है। और तो चलिए पहले लंच में क्या क्या है आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है फिश करी जो सरसों डाल के मैंने बनाया है, इसको रख देते हैं। और है गर्मा गर्म बैंगन भाजी, जस्ट अभी मैंने किया है। यहाँ पे है करेला भाजी, यहाँ पे है मसूर की दाल पतली सी, और यहाँ पे है थोड़ा सा चिकन, कल बनाया था तो आज दोपहर में थोड़ा हो जाएगा। दोपहर के लंच करने के बाद आज काफ़ी देर मैं और मनोजीत थोड़ा सोए हैं और अभी उठी हूँ, अभी वही 6:30 बज रहा है और देखिए बाहर अभी भी कितना उजाला है, शाम होते होते अब काफ़ी लेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे शाम का दिया बाती अभी कर ले रही हूँ, एक टाइम मैं तो करूँ ना, इतना अंधेरा होने का वेट करूँगी तो बहुत लेट हो जाता है इसलिए। और मनोजीत गया है नीचे, उसको थोड़ा काम है और थोड़ा पकौड़ा खाने का उसका मन कर रहा था, वो भी लाएगा, तब तक मैंने सोचा मैं शाम का दिया बाती वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद वो आएगा तो गर्मा गर्म 2 कप चाय बना लूँगी। मनोजीत पकौड़ा लेके आ गया और मैं भी चाय बना ली, तो बस अभी दोनों बैठ के चाय एंजॉय करेंगे और साथ में टीवी पे लगा दिया है पंचायत सीरीज, तो यही देखेंगे बैठ के। और इस ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप लोगों में से किन किन ने पंचायत देखा जरूर कमेंट करके बताना, मेरा और मनोजीत का तो फेवरेट सीरीज है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।